हाँ UK07 की मस्टैंग मेरे सामने। ओ माय गॉड, हाय गजब साहब, क्या बोलेरो पलटी है गाइस, चेक दिस आउट, एकदम तगड़ा भाई। अपने राइट में देखते आना, मैं यही रुक जाता हूँ अब। क्या पलटाई से बोलेरो, एकदम उल्टा पलटा के रख दी से। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से ऋषिकेश के लिए। ऋषिकेश रुकते हैं या देहरादून रुकते हैं इसका भी कंफर्म नहीं है, बट मिनिमम टारगेट तो हमारा ऋषिकेश है। अगर और टाइम बचा तो देहरादून के लिए निकल जाएंगे। फिलहाल सारे के सारे लोग रेडी हो चुके हैं। टाइम जो है वो हो रहा है 10:15। सारा सामान नीचे पहुँच चुका है। ये लौंडे अभी सो के उठे हैं और रेडी हो रहे हैं, बाकी सब तैयार हैं। मैं तो रात में आते ही नहा लिया था, बिल्कुल थक गया था। उसके बाद मैं सीधा बाथरूम गया, यहाँ पे गीजर था बहुत बढ़िया था, तो मैंने कहा तुरंत नहा लेता हूँ, फ्रेश फील होगा, थोड़ा थकावट दूर हो गई, इसीलिए अपन ने नहा लिया था। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ, गाड़ी हमारी यहीं खड़ी हुई है और सामान पैक किया जा रहा है उसमें। ये देखिए गाइस, चेक दिस आउट, ये हमारी गाड़ी है कार और उधर हमारी खड़ी है बाइक, अभी दिखाते हैं आपको। सो गाइस, फाइनली कार में सारा सामान सेट हो चुका है, लौंडे कार में बैठ रहे हैं और अब बारी है अपनी बाइक निकालने की। तो यहाँ पे खड़ी हुई थी 3-4 दिन से अपनी बाइक, ये भाई साहब बढ़िया मस्त ढक के खड़ी कर दिए थे, शुक्रिया भाई। बाकी बाइक की हालत तो आप देख ही रहे हैं, कपड़ा भी मारना नहीं है बिकॉज इस पे कोटिंग हो रखी है, तो पानी बिना कपड़ा नहीं मारा जाएगा। हम ऐसे ही गंदी गंदी लेके जाएंगे, जहाँ कहीं धुलवाने का मिलेगा वहाँ धुलवाएंगे, उसके बाद कपड़ा मारेंगे भाई। यहाँ पे रुकते हैं, मोबाइल वगैरह सेट करते हैं और उसके बाद आपको इसकी हालत पहले दिखा देते हैं। गाइस ये देख रहे हो, ये चेक दिस आउट गाइस, इसकी हालत क्या हो रखी है, कितनी गंदी हो गई है भाई, क्या हो गया है मेरी बाइक को। और तो अरे बाप रे बाप, भाई साहब ये धुलवाना पड़ेगा यार, पूरा का पूरा कीचड़ यहाँ पे है, वरना बाइक हीट बहुत होगी। तो सबसे पहला टास्क हमारा ये है कि इसको धुलवाते हैं हम कहीं पर, मोबाइल वगैरह से सेट करते हैं और गूगल मैप सेट करते हैं, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस फाइनली हम लोग फाटा से निकल रहे हैं और 3-4 दिन हो गए, बाइक यहीं पे खड़ी थी, पार्किंग में खड़ी होती तो पता नहीं क्या हालत हो जाती, लेकिन यहाँ पे 300 रुपये पार्किंग का इन्होंने चार्ज किया और बाइक को ढक के आराम से खड़ी कर दिया। और जब हम आए तो आराम से मुझे बाइक मिल गई है मस्त। कल तो इतना थक गया था यार कि लास्ट का व्लॉग कैसे एंड किया वो मैं ही जानता हूँ। और भाई कसम से हालत ख़राब हो गई थी यार, एक तो इतना लंबा ट्रैक के बाद नीचे आप उतरोगे जब टैक्सी के लिए सीतापुर के लिए, तो भी आपको लाइन लगानी है। लाइन लगाओ सबसे पहले सोनप्रयाग पहुंचने के लिए, फिर लाइन लगाओ सीतापुर पहुंचने के लिए, फिर पता चल रहा है 5,000-5,000 रुपये मांगे जा रहे हैं। दिमाग ख़राब हो गया बिल्कुल, एकदम पागल हो गया भाई। लेकिन फाइनली चलो, भगवान के दर्शन करने आए थे और भगवान के दर्शन हो गए। लेकिन यार यहाँ का जो उत्तराखंड टूरिज़्म है उसको इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, ये सारी चीज़ें प्रॉपर करनी चाहिए कि ये जो रोड के किनारे गाड़ियाँ पार्क होती हैं ना, ये वहाँ पे सिंगल रोड पे पार्क थी। चलो यहाँ इतनी दूर पार्क हो रही हैं, ये डबल रोड चल जाता है, बट सिंगल रोड पर अगर आप कार पार्क करके ऐसे चले जाओगे तो कैसे काम चलेगा यार, दूसरों को तो दिक्कत होगी होगी। और 7 किलोमीटर कवर करने में अगर यार 4-4, 5-5 घंटे लग जाए इंसान को, तो क्या ही है यार, क्या है, मतलब पता नहीं कैसा मैनेजमेंट है, दिमाग ख़राब करने वाला था यार एकदम। जब पार्किंग बनवा रखी है तो पार्किंग में आप गाड़ी पार्क करो, और फुल होने के बाद बंद कर दो गाड़ी, अलाउ मत करो, रजिस्ट्रेशन करा रहे हो, आपको तो पता ही है ना कितने बंदे आ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन चेक कर रहे हो आप, टोकन दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो आपको तो नॉलेज है तो। लेकिन उसके बाद भी ऐसा जवाब सुनने को मिलता है कि भाई अगर क्या बताएं, हटाइए, खैर भगवान के दर्शन करने आए थे, दर्शन हो गए, थोड़ी कठिनाई सही सही भोलेनाथ इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं, चलो ठीक है। लेकिन जो चीज़ हमारे हाथ में है, गवर्नमेंट के हाथ में, वो गवर्नमेंट कर सकती है। बट यार इस टाइम अगर कोई आना चाहता है तो मैं सजेस्ट करूँगा मत आओ, या तो पैसा होते हुए भी कुछ नहीं कर पाओगे, मतलब आपकी जेब भरी हो कितनी भी, आप कितने भी अमीर हो फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी, ये तो डेफिनेटली है। क्योंकि वहाँ जो लाइनें लगती हैं ना, कोई नहीं सुनता है कि आपके पास कितना पैसा, आप गाड़ी बुक करना चाहते हो 5,000 दे दो, 10,000 दे दो, डजेंट मैटर यार, आपको प्रॉब्लम फेस करनी है तो करनी है, खाली मिल जाए वही बहुत है। तो इसीलिए अभी मत आओ, थोड़ा टाइम बाद आना, क्योंकि इस टाइम क्राउड बहुत है और अंधा क्राउड है, अंधा, इतनी लंबी लंबी लाइनें लगती हैं कि क्या बताऊँ मैं। और अगर आ रहे हो तो एक सिंपल सा फंडा यार, यहाँ मैं सिंपल से बता दे रहा हूँ, जैसा हमने किया वैसा, जैसा मैं हर बार करता हूँ वैसा ही आप लोग भी करना यहाँ पे आने का। और अगर आपको पार्किंग में स्पेस नहीं मिलता है, अगर मिल जाएगा तो भी आप ये समझ लो कि आपको यहाँ लास्ट के 7 किलोमीटर कवर करने में 6-7 घंटे लगने वाले हैं, ये माइंड मेकअप करके आना। दूसरी चीज़, कार पार करने के बाद जब आप ऊपर जाते हो, ऊपर पहुँचने के बाद सबसे पहला काम ये मत करना कि हमें दर्शन करने हैं तुरंत, सबसे पहला काम करना कोई रूम देख लेना। टेंट भी मैं सजेस्ट नहीं करूँगा भाई, रात में आंधी तूफान आता है, टेंट से पानी टपकने लगता है, चूने लगता है, पागल हो जाओगे ठंड के मारे। हमने सुना वहाँ टेंट में 2-3 लोग एक्सपायर हो गए, तो आप अच्छा सा कोई रूम देख लो, थोड़ा पैसा बजट टाइट करके ही आओ, कम बजट है तो अभी मत आओ, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें महंगी हैं, पानी की बोतल
जो एक है वो भी बहुत महंगी है। पानी की बोतल जो 20 रुपए की है ना, वो 80 रुपए की मिलती है यहाँ पे। तो इसीलिए आप बजट तो टाइट करके ही आना डेफिनेटली, उससे पहले तो आप बहुत कष्ट झेलने वाले हो। बाकी गाइज रूम ले लेना, रूम लेने के बाद आपको 7 से 10 हज़ार 12 हज़ार की रेंज में रूम मिल जाएगा एक दिन के लिए। मस्त रूम में आराम करो और देखते रहो, क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है जब क्राउड पूरा खाली हो जाता है, लाइन पूरी खाली हो जाती है। तो जैसे ही लाइन खाली हो तुरंत फटाक से जाओ दर्शन करके चले आओ। हमने ऐसा ही किया, हम गए आराम से, रूम में लेटे हुए थे, लाइन बहुत लंबी थी। फिर नीचे पंडित जी का फ़ोन आता है, क्योंकि पंडित जी का ही रूम था, कि लाइन खाली हो चुकी है, तुम लोग दर्शन करना चाहो तो कर लो। बस फटाक से हम लोग रेडी हुए, गए धक से 3 बार दर्शन किए हमने। उसके बाद हमने पंडित जी को पैसे दिए ही थे पर्ची कटाने के, कि हम रात में VIP दर्शन करेंगे भाई। तो रात में पंडित जी ने हमारी पूजा भी करा दी, 2:30 बजे गर्भगृह में ले जाके पूजा कराई। तो भाई अब ये हमारा आना सफल हो गया, बस अब हम निकल चुके हैं यहाँ से। अब उम्मीद है अब और कोई कष्ट नहीं रह गए, भोलेनाथ की कृपा है और भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। ऐसे ही सारे कष्ट भोलेनाथ ने हमारे हर लिए हैं। बहुत सुकून मिलता है मुझे यहाँ आके, जितना भी मेरा डाइवर्जन रहता है मेरे मन का, मेरा मन विचलित रहता है, इधर उधर भागता रहता है, वो सारी चीज़ें दूर हो जाती हैं, एकदम शांत हो जाता है मेरा मन और काम भी अच्छे से हो जाते हैं, फिर काम सफल होते हैं मेरे। तो हर हर महादेव का नाम लेते हैं और अब प्रस्थान करते हैं फाइनली हम ऋषिकेश के लिए। रेंज लगातार कम होती जा रही, 14 किलोमीटर की रेंज बची है खाली। अगर पेट्रोल पंप नहीं मिला ना भाई तो धक्का लगाएंगे, डेफिनेटली धक्का लगाएंगे हम लोग। लो भैया ट्रैफिक लग गया, वहाँ एक बस वाले ने फंसा रखा, उसके चक्कर में ट्रैफिक लग गया भाई। ट्रैफिक साइड से निकल के देखे क्या, अरे गुच्छा। हाँ निकल रहा हूँ मैं, आगे देखते हैं क्यों ट्रैफिक लगा है। ट्रैफिक लगता है एक ही वजह से, ये देखो यहाँ पे एक बस है और एक कार है जिसने फंसा रखी है, जिसकी वजह से ट्रैफिक लगा हुआ है। बाकी कोई ट्रैफिक नहीं है भाई, कोई ट्रैफिक नहीं है, सिर्फ इतने सी बात के लिए ट्रैफिक लग गया। ये देखिए गाइस यहाँ अगस्त मुनि क्रॉसिंग पे कार्स को रोक दिया गया है ताकि और कोई कार ना चढ़े आगे। क्या हुआ भाई? हाँ भाई, अरे शुक्रिया भाई शुक्रिया। ओ गाइस चेक दिस आउट भाई, लोग जानने वाले मिल जाते हैं यहाँ भी, काफ़ी बढ़िया लगता है। बाकी पहला टास्क तो हमारा यही है फ्यूल पंप पे जाने का, फ्यूल अप हो जाए गाड़ी में, उसके बाद अपन मस्त राइड कर सकें। यहाँ से जाम लगने लगा भाई, ये गाड़ियाँ रोक दी गई हैं, अब इसके आगे लोग नहीं जा पाएंगे, तो इन चीज़ों के लिए भी प्रिपेयर रहो। गाड़ियाँ बीच बीच में ही रोक दी जाती हैं ताकि ऊपर का जब ट्रैफिक क्लियर हो जाए तब यहाँ से छोड़ा जाए, कुछ कुछ गाड़ियाँ छोड़ी जाती हैं और इतना करने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं। हाँ लेकिन गाइज अगर आप बाइक वाले हो और बाइक से आना चाहते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी। जहाँ ट्रैफिक ज़्यादा होगा वहाँ थोड़ा बहुत फंस सकते हो, बाकी तो आप बीच में घुसते चले जाओ, किनारे से निकलते चले जाओ, चीर फाड़ दो, कोई नहीं रोकने वाला भाई। बाइकर्स को कोई नहीं रोकता यहाँ पे, सिर्फ कार्स के लिए प्रॉब्लम है। बाइक तो साइड से निकालते लेते चले जाओ फटाक से एकदम चिल मार के। वो देखो ग्लेशियर दिख रहा है सामने और सामने के पहाड़ भाई। मौसम इधर का तगड़ा है और हम इधर ही जा रहे हैं, मौसम खराब निकला तो फिर बांधे हैं बांधे। तो गाइज अभी खाली 2 किलोमीटर की रेंज बची है और अभी तक हमें फ्यूल पंप नहीं मिल पाया है, क्या होने वाला है पता नहीं। देखते हैं भैया ये 2 किलोमीटर के बाद कितना जाती है, और अगर फ्यूल पंप नहीं मिलता है तो दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है हमें। फिलहाल किसी से पूछ लेते हैं क्योंकि रास्ते भर कोई भी फ्यूल पंप नहीं मिला इतनी दूर में। यार किसी से पूछना ही उचित लग रहा है हमें, किसी से पूछते हैं आसपास कितनी दूर पेट्रोल पंप है, ये गूगल मैप पे देखा जाए। गूगल मैप बाबा हमें बताओ। अरे मिल गया इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप, मिल गया भाई, मुबारक हो मुबारक हो। वाह खुशी में इसी में एक थ्रॉटल ले लिया जाए, क्या बात है भाई, फ्यूल पंप मिल गया। सो गाइस फाइनली फ्यूल अप हो चुका है और अब हम यहाँ से निकल चुके हैं। अब ऋषिकेश जाने का प्लान थोड़ा कैंसिल हो गया, डायरेक्ट देहरादून का मैप हमने सेट करा है, अब सीधे पहुँचेंगे हम देहरादून। देहरादून में एक दिन रुकेंगे, चिल करेंगे और फिर कल निकलेंगे लखनऊ के लिए। तो फटाफट निकलते हैं, अब गाड़ी चलाने में डर नहीं लग रहा है, पहले तो लग रहा था कि क्या कितनी दूर जाएगी, लेकिन अभी हमने देखा कि जब फ्यूल मैंने फुल कराया तो 14.5 लीटर फ्यूल आया है, उसका मतलब है कि 2 लीटर फ्यूल जो है इसमें बचा हुआ था, 16.5 लीटर का फ्यूल टैंक है इसका, तो लगभग 20 किलोमीटर और चली जाती जीरो रेंज दिखाने के बाद भी। अब हमारा टास्क एक और है कि बाइक वॉशिंग के लिए कोई प्लेस मिल जाए हमें बढ़िया सी, ताकि बाइक वॉश करा दें, बिकॉज रेडिएटर बहुत गंदा हो चुका है, बार बार फैन चल रहा है। सो गाइस आई थिंक वॉशिंग सेंटर हमें मिल चुका है, जरा पूछते हैं। अरे यार हम बाइक वॉश कराने आए थे, बाइक वॉश हो ही रही थी कि लाइट चली गई। शिट यार
अब और इंतजार करना पड़ेगा थोड़ा, थोड़ी सी बस एक पाइप मारा ही था कि लाइट चली गई। सो गाइस फाइनली अपनी बाइक जो है वॉश हो चुकी है और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। हमारे जो फ्रेंड है वो आगे 3.9 किलोमीटर पहुँच चुके हैं, तो किसी रेस्टोरेंट पर रुके हैं कुछ खाने के लिए, वहाँ तक हमें जाना है। बाकी बाइक तो पूरी वॉश हो चुकी है, रेडिएटर ग्रिल पूरी साफ हो चुकी है, क्लीन हो चुकी है, 200 रुपये लग गए यहाँ पे। चलो भैया चलो चलो चलो, सारी चीजें डन हो गई भाई। गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं लोकेशन पे, एंड गाइस चेक दिस आउट, ओ माय गॉड, बाइक हो चुकी है वॉश और मैं आपको रेडिएटर ग्रिल दिखा देता हूँ, पूरी रेडिएटर ग्रिल जो है वो साफ हो चुकी है। सो गाइस फाइनली हम लोग खा पी चुके हैं और अब यहाँ से निकल रहे हैं देहरादून के लिए। 211 किलोमीटर का डिस्टेंस हमें कवर करना है और टाइम जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है 6:23 तक हम वहाँ पहुँचेंगे। लेकिन उससे पहले मेरे पास एक काम और है कि आज का व्लॉग जो है वो हमें अपलोड करना है, तो कहीं भी 5G का नेटवर्क अगर आया तो मैं सबसे पहला टास्क मेरा यही होगा कि व्लॉग को अपलोड किया जाए यार, बिकॉज व्लॉग अपलोड नहीं हो पा रहे हैं। एक दिन हो गया व्लॉग अपलोड नहीं हुआ और आज का व्लॉग भी अपलोडेड नहीं है, तो कहीं ना कहीं रुक के हम व्लॉग को अपलोड मारेंगे। सो गाइस फाइनली नेट के इंतज़ार में हमने कोई तरह फ़ोन में ही लगा दिया अपलोडिंग पे, अब देखते हैं ये कितनी देर में अपलोड होता है। आईफोन में वैसे रात में भी लगाया था बट फेल्ड हो गया था। सो चेक दिस आउट कितना टाइम लगने वाला है गाइस। बाकी रोड हमें अच्छी मिल चुकी है और हमारे बंदे जो हैं वो काफ़ी पीछे छूट चुके हैं, बिकॉज कई जगह ट्रैफिक फंसा हुआ था। तो मैं तो निकल आया कट मारते हुए लेकिन वो लोग पीछे छूट गए हैं, तो बीच में 15-20 मिनट का इंतज़ार करने के बाद भी वो आए नहीं है। और रोड अच्छी मिल गई इसलिए बाइक चलाने का मज़ा भी ज़्यादा आने लगा है। अब देख रहा एकदम मस्त रोड बनी हुई है भाई, गवर्नमेंट ने ये काम बढ़िया किया यहाँ की कि रोडें बढ़िया बनवा दी हैं। थोड़ा बहुत पहच आपको अभी भी मिलेगा ख़राब ऑफ रोडिंग वाला एकदम एंड में 20 किलोमीटर का, लेकिन वो इतना गंदा मिलेगा कि क्या ही बताएं भाई। ऐसे ऊबड़ खाबड़ घड़बड़ घड़बड़ करेंगे कि मज़ा ही आ जाएगा आपको, मसाज मिलेगी फुल पार्टी। बाकी यहाँ की रोडें आप देख सकते हो कितनी बढ़िया है, मस्त। सो गाइस लौंडों की तो कहानी सेट हो गई, लौंडे पच जाएंगे पीछे जाम में। आप देख सकते हैं यहाँ पे लगा हुआ है जाम, ओ माय गॉड क्या बात है, इतना सारा ट्रैफिक क्लियर होने में पता नहीं कितने घंटे लगे। वैसे लग तो रहा है निकल जाएगा जल्दी क्योंकि कुछ काम चल रहा था और वो ख़त्म हो गया है। बाकी हम कहाँ पहुँच रहे हैं, पहुँचने वाले हैं श्रीनगर शायद, शायद से अपन श्रीनगर पहुँचने वाले हैं। नहीं नहीं अभी ये ट्रैफिक इतनी आसानी से कहाँ ख़त्म होने वाला है भाई, यहाँ बसों ने फंसा रखा है और बस जहाँ फंसाती हैं फिर वहाँ तो आप जानते ही हैं क्या होता है। अरे मम्मी रे, ओ माय गॉड। बाकी रास्ता तो देख रहे हो कितना ख़राब है, पत्थर बजरी माटी धूल सब कुछ इस रास्ते में मिल जाएगा। ऊपर से ढलान है, ऊपर से ब्रेक मारनी पड़ रही बार बार, खड़े हो जाएँ क्या, हाँ सैडलिंग कर लेते हैं थोड़ी देर, ज़्यादा आसान पड़ेगा नहीं तो बड़ी दिक्कत है। देवा रे देवा, ए देवा रे देवा, बाप रे बाप। हाँ जी हम श्रीनगर पहुँच रहे हैं, सीमा प्रारंभ हो चुकी है कोतवाली श्रीनगर की, और वही पुल जो लास्ट ब्लॉग में मैंने दिखाया था कि कंस्ट्रक्शन हो रहा है। गाइस अभी हम क्रॉस कर रहे हैं माँ धारी देवी मंदिर, वापस से सेम रास्ते सेम डेस्टिनेशन ऋषिकेश या देहरादून, बस इसमें कन्फ्यूज़न है। वैसे देहरादून ही है क्योंकि ऋषिकेश में हम रुक चुके हैं, तो आज लौंडो का मन है कि देहरादून रुका जाए। हाय गजब साहब क्या बोलेरो पलटी है गाइस, चेक दिस आउट एकदम तगड़ा भाई। अपने राइट में देखते आना, मैं यही रुक जाता हूँ अब। क्या पलटाई से बोलेरो एकदम उल्टा पलटा के रख दी से। सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं रुद्रप्रयाग और हमारे जो लौंडे हैं वो हैं 5 किलोमीटर पीछे और यहाँ पे होता है संगम। संगम मैं आपको फ़ोन से दिखाता हूँ क्योंकि गोप्रो में उतना अच्छा आएगा नहीं, तो स्विच करते हैं कैमरा 1 2 3। ये देखिए गाइस ये दो नदियों का संगम है, एक आती है भागीरथी और दूसरी आती है अलकनंदा, दोनों यहाँ मिलकर गंगा बन जाती हैं और ये जा रही है आगे गंगा जो कि ऋषिकेश से होते हुए कई जगह गई हुई है, ऋषिकेश हरिद्वार उधर जाती है कानपुर इलाहाबाद बनारस और आगे पता नहीं कहां कहां जाती है, बट ये देवप्रयाग का संगम है। हमारी गाड़ी का टेम्परेचर जो है वो 104 डिग्री सेल्सियस हो चुका है और 146 किलोमीटर की रेंज अभी भी बाकी है, मतलब अभी भी 100 किलोमीटर तो आराम से चले जाएंगे, उसके बाद फिर लकीली सोचेंगे। क्या हो गया भाई क्या हो गया, अभी तक इतनी ठंडी थी गाइस क्या बताएं, अब हो चुकी है एकदम से गर्मी, अब यहाँ से हमें गर्मी का सामना करना पड़ेगा। बहुत अल्हड़ गर्मी होने लगी, पसीना टपकने लगा है और सामने हमारे जेसीबी
यो सो गाइस अभी बज रहा है 5:08 और हम लोग पहुंच चुके हैं ऋषिकेश। अब हमें निकलना है देहरादून और वीडियो मेरा अपलोड नहीं हो पा रहा है, काफ़ी देर से मैंने मोबाइल में लगा रखा है बट 1% पे अटक गया है वो, उसके आगे बढ़ ही नहीं रहा है। तो आज दूसरा दिन है यार, एक दिन ऑलरेडी गैप हो चुका है, इंटरनेट की दिक्कत है। व्लॉग्स जबकि मैंने तीन एडिट करके रख लिए हैं बट अपलोडिंग की बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक जगह रुके थे बीच में वाईफाई के लिए, हमने पूछा उनके पास वाईफाई था लेकिन उन्होंने मना कर दिया यार, मूड ख़राब कर दिया मेरा। क्या ही करें यार, कोई अच्छी जगह मिल जाए जहाँ से हम नेट लेके जरा वीडियो अपलोड कर सके तो मज़ा ही आ जाए यार। सो गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं ऋषिकेश एंड ऋषिकेश से निकलते हुए जा रहे हैं, ट्रैफिक फिर से लग चुका है, काफ़ी गंदा ट्रैफिक है, बहुत ही ज़्यादा गंदा ट्रैफिक हो चुका है यहाँ पे, जैसे लास्ट टाइम जब हम आए थे तब था। अब हमें देहरादून तक का सफ़र तय करना है, देहरादून तक का सफ़र तय करने में अभी भी हमें 1.5 घंटे का सफ़र है और 7:21 तक लग जाएंगे अकॉर्डिंग टू गूगल मैप। 45 किलोमीटर की जर्नी है, बाकी भाई ट्रैफिक तो आप देख ही रहे हो, गाड़ी हमारी यहीं कहीं बीच में फंसी है वो रही आगे और मैं भी धीरे धीरे ही चल रहा हूँ ताकि साथ में ही हम लोग पहुँचें, आगे पीछे हो जाएंगे तो दिक्कत है, इसीलिए साथ में चल रहे हैं। ट्रैफिक में फंसे फंसे गाड़ी अपनी हीट होने लगी, 102°C टेम्परेचर हो चुका है इसका। बाकी ऋषिकेश की गलियाँ भाई कुछ इस तरह से हैं,